हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मांडवी क्लासेस। आज हम लोग प्रोग्रामिंग विथ जावा का आज से हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग विथ जावा। आज से हम लोग जावा के बारे में जानेंगे, जावा क्या है, जावा का क्यों यूज करते हैं, जावा का क्या यूज है, ये सारे चीज़ के बारे में आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग विथ जावा आज हम लोग का पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा का क्या इंट्रोडक्शन है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे आते हैं एजेंडा। आज का एजेंडा क्या है, यानी आज किस किस टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पहले देख रहे हैं। तो हम लोग का एजेंडा क्या है, डेफिनेशन ऑफ जावा। जावा का क्या डेफिनेशन है, जावा का क्या डेफिनेशन है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। जावा का क्या डेफिनेशन है, जावा का क्या यूजेज है, यूजेज ऑफ जावा क्या है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। काहे कि जब से सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले या किसी चीज़ के बारे में जानने पहले उसका डेफिनेशन, उसके बारे में जानना वो क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन दिस डैट, ये जानना हम लोग को जरूरी है। उसके बाद जानेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा का क्या हिस्ट्री है, ठीक है, जावा का क्या हिस्ट्री है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। जावा का बैकग्राउंड क्या है, यानी हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे फीचर्स ऑफ जावा। जावा का क्या क्या फीचर्स है, जावा में क्या क्या होता है, उसका क्या फीचर्स है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिंपल जावा प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम को कैसे करते हैं, उसके बाद जावा के प्रोग्राम को हम लोग रन कैसे कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जावा। जावा एक पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, एक पावरफुल प्लेट जनरल पर्पज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, जावा जो है पावरफुल कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पावर रहता है जावा में, पावरफुल यानी जो भी काम करता है जावा आराम से कर ले सकता है वो जावा। उसके बाद क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का क्या अर्थ होता है, कोई भी यूज, यानी जनरली किसी चीज़ में किसी चीज़ के साथ हम लोग जावा का यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये बात है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये जावा का सबसे बड़ा खासियत है या फीचर्स है, जावा में सबसे बड़ी फीचर्स है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, जावा को हम लोग कहीं भी रन कर सकते हैं, एक जगह बनाए और उसको बार बार रन कर सकते हैं जावा प्रोग्राम को बिना कोई चेंजेज किए हुए। ठीक है, जावा प्रोग्राम कहता है हमको एक राइट वंस रन एनीवेयर, जावा कहता है हमको एक बार बनाओ और कहीं भी हमको रन कर दो। ठीक है, यही जावा में एक बहुत बड़ा फीचर। जावा जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ मोबाइल एप्लीकेशन। आप लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं वो जावा पे ही डिपेंड बना हुआ, एंड्रॉयड सिस्टम जो है पूरा जावा पे ही कोडिंग किया गया है तो उसको एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम कहते हैं, एंड्रॉयड। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिस्टम में क्या, जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है आज का, बहुत सा जैसे बैंकिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर हुआ या बहुत जगह और भी सॉफ्टवेयर जो है वो जावा पे ही बनता है। बिग डाटा प्रोसेसिंग, बहुत बड़ा डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है, बिग डाटा प्रोसेसिंग में भी जावा का ही यूज होता है। ठीक है, नेटवर्किंग जो करते हैं हम लोग, नेटवर्किंग का हम लोग नाम सुने हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं या नेटवर्किंग, इंटरनेट, ये लैन वैन मैन, ये सारा जो नेटवर्किंग है, ये सारा नेटवर्किंग का जो कोडिंग है, ये सारा कोडिंग ही भी जावा पे ही किया गया है, जावा पे ही बेस्ट कोडिंग रहता है। अकॉर्डिंग टू ओरेकल कंपनी के अनुसार जावा जो है 3 मिलियंस डिवाइस पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में 3 मिलियन डिवाइस जो है जावा पे डिपेंड है, जावा पे ही डिपेंड है। जावा जो, अगर जावा ना हो तो वो 3 मिलियन डिवाइस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, विच मेक्स ए जावा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि जावा को एक बहुत अच्छी पॉपुलरिटी दिलाती है और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी गिनती होती है। एक बात हम लोग ऊपर डिस्कस करने एक बात भूल गए, प्लेटफॉर्म
एक प्लेटफॉर्म होता क्या है? एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जहाँ के प्रोग्राम रन करता है उसी को हम लोग प्लेटफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, बस का प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हम लोग वेट के वेट करते हैं ट्रेन का, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्लेटफॉर्म होता है जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट और हार्डवेयर इन्वायरमेंट में जहाँ के प्रोग्राम रन करे उसी को हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। जावा हैज़ रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा है JRE रन टाइम इन्वायरमेंट को डेवलप करता है। जावा में डेवलपमेंट होता है रन टाइम एनवायरमेंट, जब यानी जब रन करता है उसी समय इसका एनवायरमेंट का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको रन टाइम एनवायरमेंट कहते हैं, JRE जिसको कहते हैं JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा का क्या हिस्ट्री है। जावा का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जावा को जेम्स गॉसलिंग साहब ने 1990 में बनाया था जावा को। उस जावा को जिस टीम ने बनाया उस टीम को हम लोग ग्रीन टीम के नाम से जानते हैं। ग्रीन टीम इसलिए नाम के जानते हैं कि जावा को जब इन्होंने बनाया था तब इन्होंने जावा को ओक नाम रखा। ओक, ओक का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। ओक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इन्होंने जावा का नाम ओक रखा, ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर बाद में इन्होंने ओक को हटा के जावा किया। ऐसे ओक को क्यों हटाया? ओक को इसीलिए हटाया क्योंकि ओक बहुत सारे देश का, जैसे रोमानिया हुआ, USA हुआ, और भी बहुत सारे देश का ओक जो है नेशनल ट्री में रजिस्टर्ड था। ओक नेशनल ट्री में रजिस्टर्ड था और ओक नाम से ओक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बहुत जावा से पहले से थी। तब इन्होंने ओक को हटाया, ओक नाम को हटाया। फिर बहुत डिस्कशन होने के बाद जावा सुमात्रा एक आइलैंड है, तो वहाँ जेम्स गॉसलिंग और ग्रीन टीम पूरे बैठी हुई थी डिस्कशन में। तो वहाँ बहुत डिस्कशन के बाद इन्होंने वो कॉफ़ी पीने निकले थे बाहर। डिस्कशन के बाद ब्रेक होता है ना, तो मीटिंग के बाद ब्रेक हुआ तो वो कॉफ़ी पीने बाहर निकले। तो जब उन्होंने बाहर कॉफ़ी पीने निकले तो जावा कॉफ़ी इनको, जावा फ्लेवर का कॉफ़ी इनको दिया गया। तो उन्होंने जावा फ्लेवर का जो कॉफ़ी पिया, जावा नाम जो सुना, तो उसी समय उनके दिमाग में आया तो कि हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखें। तब जावा जो है उसी समय सारे ग्रीन टीम के जितने भी टीम के मेंबर थे उन्होंने इस नाम को जावा रख दिया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखा और जावा को जावा रख दिया। जावा उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1990 के आसपास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करके जावा कर दिया गया, ठीक है। अब जावा क्रिएट क्यों किया? जावा क्रिएशन C++ था तब जावा का क्रिएट। जावा क्रिएशन का सबसे बड़ी मोटो पर सबसे बड़ा मोटो था सिंपल हो, जो सबको समझ में आए, रोबोस्ट हो, कहीं भी यूज हो जाए, ये यूज हो जाए, ठीक है। इसलिए जावा का नाम इन्होंने रखा। आर्किटेक्ट न्यूट्रल हो, यानी आर्किटेक्चुअल न्यूट्रल, यानी जब जावा का प्रोग्रामिंग या जावा पे कोई भी प्रोग्रामिंग बनावे तो न्यूट्रल हो, कोई भी इस प्रोग्रामिंग को समझ जाए। उसके बाद जावा जो है सिक्योर हो, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देना चाह रहे थे लोग मार्केट में जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसलिए जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, ठीक है। ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया। अभी के समय में जावा का बहुत सारा वर्सन आ गया है। अभी लेटेस्ट वर्सन जावा 11 यूज हो रहा है अभी मार्केट में, लेटेस्ट और भी आने वाला है धीरे धीरे जावा का वर्सन। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ जावा, जावा का क्या फीचर है, जावा का बनाने का मोटो क्या था, पहली बात ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जावा बनाने का क्या मोटो था? जावा बनाने का ये मोटो था कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए जो कि पोर्टेबल हो, सिंपल और सिक्योर हो। पोर्टेबल, सिंपल, सिक्योर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये पांच चीज होना चाहिए। तो जावा जब बनाया गया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब बनाया गया तो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया हुआ, तो सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा बन के तैयार हुआ। अब इसका फीचर्स हुआ, ठीक है। जावा के फीचर्स पे आते हैं। जावा का जो सिंटैक्स है सिंपल, जावा का पहला फीचर सिंपल्स का, सिंपल कहलाता है सिंपल। तो जावा का जो सिंटैक्स है बहुत
इजी है, ठीक है। जावा का सिंटैक्स कोई भी अंडरस्टैंड यानी कोई भी समझ सकता है जावा का सिंटैक्स, ये जावा का सिंटैक्स है, ठीक है। और ये जो इजी टू लर्न इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए इसको सिंपल प्रोग्रामिंग जावा को सिंपल कहते हैं। इसे इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी इसको रन लर्न कर सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम के हिसाब से जावा जो है सबसे अभी तक का सबसे इजीएस्ट और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा सिंटैक्स जो है C++ पे, जावा सिंटैक्स जो है C++ पे बेस्ड है, ठीक है। और जावा पे जो है, जावा में हम लोग पॉइंटर्स का यूज और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज नहीं कर सकते जावा पर। दे आर इन नो रिमूव ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्ट। जावा में एक और फीचर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का भी जावा में फीचर्स है, इसलिए जावा को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरा फीचर क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा में जितना भी प्रोग्रामिंग है सारा ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है। जावा सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन को, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फीचर्स है, ये सारे को जावा सपोर्ट करता है। जावा जो है, जावा में जो जो भी डाटा रहता है विथ इन ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस्ड रहता है। द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो हम लोग तो बोल दिए कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अब जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है इस चीज के बारे में हम लोग देखें क्या। जावा जब हम लोग प्रोग्रामिंग रन करते हैं, जावा का जब प्रोग्रामिंग रन होता है तब JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JVM, ध्यान से सुनिए। जब जावा को हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो कंपाइल करते हैं, सबसे पहले रन से पहले कंपाइलेशन होता है। जब हम लोग जावा का प्रोग्राम कंपाइलेशन में जाता है तो JVM, जावा वर्चुअल मशीन जो है, एक सोर्स को उसके इंटरमीडिएट कोड में चेंज करता है। उस इंटरमीडिएट कोड को बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। उस इंटरमीडिएट कोड को हम लोग बाइट कोड करते हैं, जो कि बाइट कोड का जनरेशन हुआ। जो उस बाइट कोड का जनरेशन होता है यानी बाइट कोड जब जनरेट होता है तो वही बाइट कोड जो है जावा को जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। वही बाइट कोड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है इसको रन करिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन करता है। वो बाइट कोड ही जो है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। वो फीचर्स जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। अब आता है जावा रोबस्ट। जावा रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है? जावा को रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जावा जो है रन टाइम एरर को हैंडल करता है। जावा जो है रन टाइम एरर को हैंडल करता है, ठीक है। जावा एक रन टाइम एरर को हैंडल करता है, इसीलिए इसको जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। उसके बाद सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कहलाता है? जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम लोग कहीं भी रन कर सकते हैं और कहीं भी हम लोग इसको जावा का सॉरी जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, क्योंकि जावा में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या जावा में जो भी चीज़ डेवलप होता है वो सिक्योर रहता है, ठीक है। जावा के प्रोग्राम को या जावा के सॉफ्टवेयर को जल्दी ही हैक नहीं किया जा सकता। हैक करने में इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। इसलिए जावा को सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब आता है हाउ टू सेट पाथ, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग करने से पहले, अब हम लोग फीचर्स ऑफ जावा पढ़ लिए, अब जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग करने से पहले जावा का पाथ सेट करना पड़ता है। कोई भी कंप्यूटर में जावा का पाथ सेट करेंगे तभी हम उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जावा का पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जावा को हम लोग वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं। जावा फ्री सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग जान लें। जावा को हम लोग वेबसाइट से इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। जावा इंस्टॉल हो गया हमारे सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल
सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल है उसमें जाके जावा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जब वो जावा इंस्टॉल हो गया तब हम लोग प्रोग्राम सी ड्राइव में जाएंगे और प्रोग्राम फाइल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जावा जावा पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम फाइल में क्लिक करने के बाद जावा पे क्लिक करेंगे, जावा में क्लिक करने के बाद एक बिन डायरेक्टरी होगा, बिन डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसका जो परिपथ होगा उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके रख लेंगे, ये हो गया आपका। उसके बाद इसको छोड़ दें, उसके बाद माई कंप्यूटर पर आते हैं। माई कंप्यूटर पर आने के बाद माई कंप्यूटर आप पे आने के बाद राइट क्लिक करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। राइट क्लिक करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद फिर हम लोग एडवांस टैब पर गए। एडवांस टैब में जाने के बाद फिर हम लोग एडवांस टैब में जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल नीचे लिखा रहता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पर गए। इन्वायरमेंट वेरिएबल पर जाने के बाद हम लोग पाथ आता है, उसमें न्यू टैब यूजर वेरिएबल, और न्यू टैब यूजर वेरिएबल या पाथ में हम लोग जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो हम लोग सी ड्राइव में पाथ हम लोग कॉपी किए रहते हैं उसको वहां जाके पेस्ट कर देते हैं सिंपली, और ओके 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 करके ये हो जाता है, ये आपका पाथ सेट हो गया जावा प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जावा जब पाथ सेट हो गया प्रोग्राम का, ये हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। जब हम जावा का प्रोग्राम सेट हुआ, इस प्रोग्राम को हम लोग लिखते कहाँ, इस प्रोग्राम को हम लोग नोट पैड खोले, कंप्यूटर का नोट पैड, हर एक कंप्यूटर हर एक लैपटॉप हर एक जगह नोट पैड तो रहता है बाय डिफॉल्ट, तो नोट पैड खोले, नोट पैड में ये प्रोग्राम लिखे, क्लास सिंपल या क्लास कुछ भी क्लास का नेम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लास सिंपल। उसके बाद void static, public static, void main string, args, ये सारा प्रोग्राम को हम लोग लिखे, और उसके बाद प्रोग्राम को लिखने के बाद जावा को जो क्लास नेम, ध्यान रखिएगा यहाँ, प्रोग्राम लिखने के बाद जो क्लास का नेम होगा, प्रोग्राम में जो क्लास का नेम होगा उसी क्लास नेम से प्रोग्राम को सेव एज में जाएंगे, उसी क्लास नेम पर डॉट जावा, जावा प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा में जाकर उसको सेव करेंगे, डॉट जावा लिख के तब वो जावा में वो सेव हो जाएगा। यानी हम लोग इसको सिंपल डॉट जावा में इसको हम लोग सेव कर देंगे, सेव एज हो जाएगा, वो मान लिया जाए डी सी ड्राइव में सेव हुआ, तो उसको हम लोग एक फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, सीएमडी सर्च करेंगे, सीएमडी लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद जावा सी सिंपल डॉट जावा लिखेंगे, अगर कोई एरर नहीं आया तो वो रन कर जाएगा, वो नीचे लिखा जाएगा, उसके बाद एक्सक्यूट जावा सिंपल लिखेंगे तो इसका आउटपुट हेलो जावा लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं पैरामीटर्स, ये जो प्रोग्रामिंग है इसका पैरामीटर्स क्या क्या है। क्लास, क्लास का हम लोग यूज किए थे अभी, क्लास क्लास नेम, ये क्लास क्लास सिंपल, ठीक है समझ गए इस क्लास को कैसे। पैरामीटर्स, क्लास क्लास कीवर्ड यूज डिक्लेयर टू क्लास इन जावा, क्लास एक कीवर्ड है जिसको के डिक्लेयर करते हैं जावा में। ठीक है, क्लास नेम से ही डिक्लेरेशन जावा में करते हैं। उसके पब्लिक कीवर्ड आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, पब्लिक कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर, जैसे सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट कीवर्ड प्राइवेट रहता है, उसी तरह जावा में बाय डिफॉल्ट कीवर्ड पब्लिक रहता है, जो कि एक एक्सेस मॉडिफायर रहता है जो कि सबको सबका विजिबल होता है, इसको सब कोई देख सकता है, इट मीन्स टू विजिबल टू ऑल, इसको सब कोई देख सकता है। उसके स्टैटिक कीवर्ड का डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक कीवर्ड का डिक्लेरेशन करते हैं स्टैटिक एज स्टैटिक, स्टैटिक मेथड में कोई भी ऑब्जेक्ट इन्वोक नहीं किया, इसलिए स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद मेन मेथड, मेन मेथड यानी सारा स्टैटिक वॉइड में सारा प्रोग्राम जितना भी मेथड से होता है एक्सपेंड या जो भी रन होता है वो मेन मेथड से ही सारा प्रोग्राम रन होता है मेन पर ही जाके। उसके बाद वॉइड आता है, इट रिटर्न्स टाइप मैथड, इट मीन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वॉइड का मतलब होता है किसी भी वॉइड कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता, वॉइड का मतलब होता है कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देगा।
हाँ, मेन का मतलब होता है, फिर से मेन का मतलब हम लोग मेन फंक्शन का मतलब बता देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेन से ही यूज होता है, इसलिए मेन फंक्शन का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। स्ट्रिंग ARGS मतलब आर्गूमेंट, स्ट्रिंग आर्गूमेंट, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट हुआ। इसका हम लोग कमिंग सेक्शन, और भी जो कमिंग सेक्शन होगा उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में प्रिंट प्रिंट एफ लिखते हैं, से और सी सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं, और उसी तरह हम लोग जावा में प्रिंट देने के लिए आउटपुट स्क्रीन के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, ठीक है। इससे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को भी जो हम लोग आउटपुट आता है प्रोग्राम को, तो वो देने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग फंक्शन इन जावा में हम लोग प्रिंट फंक्शन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं व्हाट हैपेंस इन रन टाइम। जब रन टाइम होता है जावा में, तो उसमें क्या क्या हैपेंस होता है, क्या क्या होता है। तब सबसे पहले क्लास फाइल, क्लास फाइल बोले थे ना, क्लास फाइल याद होगा, क्लास फाइल डिस्कस करते हैं। तो क्लास फाइल आया, तो क्लास फाइल के बाद क्लास लोडर आता है। क्लास लोडर क्या है, इट इज़ सब सिस्टम ऑफ JVM। यू क्लास लोडर ही JVM में सब JVM जावा वर्चुअल मशीन का क्लास लोडर एक सब सिस्टम है जो कि क्लास फाइल को लोड करता है, ठीक है। क्लास लोडर के बाद बाइट कोड वेरीफाई करता है, ये जो है बाइट कोड को वेरीफाई करता है, ये बाइट कोड है कि नहीं, अच्छे बाइट कोड मतलब जनरेट हुआ है कि नहीं, ये बाइट कोड रन करेगा कि नहीं, इसी को वेरीफाई करता है बाइट कोड वेरीफाई। उसके बाद इंटरप्रिटेटर होता है, इंटरप्रिटेटर जो है रीड बाइट कोड, बाइट कोड को रीड करता है, जो कोड चेंज हुआ है आपका इंटरमीडिएट सोर्स कोड जो बाइट कोड में चेंज किया उसको इंटरप्रिटेटर फिर रीड करता है। उसको रीड करने के बाद फिर ये आगे जाता है रन टाइम, यानी रन करवाता है प्रोग्राम को, रन करवाता है। उसके बाद हार्डवेयर यानी आपका आउटपुट, इसका आपका आउटपुट स्क्रीन क्या कहलाता है, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर जो आपका आउटपुट स्क्रीन है, उस आउटपुट स्क्रीन पर आपका इस प्रोग्राम को देता है, उस आउटपुट स्क्रीन पर ये प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को अच्छे से रन करके देखते हैं, एक प्रोग्राम को बनाते हैं, उसको रन कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का नोट पैड आ गया, नोट पैड में हम लोग इस प्रोग्राम को सेव किए हैं। ये हम लोग का नोट पैड आ गया, नोट पैड में हम ये प्रोग्राम को बनाए हैं। क्लास माई यानी MY क्लास नेम हम MY दिए हैं, MY और पब्लिक स्टैटिक void main, पब्लिक स्टैटिक void main और स्ट्रिंग ARGS लिखा गया, स्ट्रिंग ARGS लिखा गया है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी यहाँ हम लिखे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड दिए है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड लिखा गया। उसके बाद इसके ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट में बंद किए। एक मिनट, जब भी कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो कर्ली ब्रेसेस से ओपन होगा, कर्ली ब्रेसेस से ही क्लोज होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर्ली ब्रेसेस से एक प्रोग्राम को ओपन किए हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस से इस प्रोग्राम को हम लोग क्लोज कर दिए हैं। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव इसमें क्या करेंगे, हम कहें सेव एज, सेव एज में हम लोग माई डॉट जावा से सेव कर लिए प्रोग्राम को, माई डॉट जावा से सेव किए, इसको सेव पर क्लिक कर दिए, ठीक है, इसको सेव पर क्लिक कर दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ सिंपली लिखेंगे जावा, जो बोले थे जावा सी माई डॉट जावा, जावा सी माई डॉट जावा। यहाँ हम एक गलती किए हैं, जावा सी माई डॉट जावा लिख दिए। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये रन कर जाए, एरर नहीं होगा तब ये रन इंटरप्रेस कर दिए, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग सिंपल जावा लिखेंगे, जावा माई, जावा माई लिख दिए। अब इसको हम लोग रन कर देते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कर गया है यहाँ, ये जो हेलो वर्ल्ड है ये यहाँ आपका प्रिंट कर गया, हेलो वर्ल्ड कमांड प्रॉम्प्ट पे ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर गया। इसी तरह हम लोग जावा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा का सारा प्रोग्रामिंग हम लोग प्रिंट करवाते हैं। इसी ढंग से हम लोग जावा का टोटल प्रोग्रामिंग प्रिंट करवाते हैं। अब आते हैं, अब हम लोग आज हम लोग जावा का इंट्रोडक्शन ऑफ जावा पढ़े, जावा के इंट्रोडक्शन ये हम लोग का पूरा पढ़े आज, ये हम लोग आज थैंक्स। अब हम लोग जावा के आगे के इंट्रोडक्शन, आगे के क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।